हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, मार्केट में आज आपने एक बहुत ही शानदार तेजी और ब्रॉड बेस मार्केट में तेजी देखिए। सबसे अच्छी बात यह है, कभी कभार क्या हो रहा था कि मार्केट में जो इंडेक्स लेवल पे गिरावट नहीं हो रही थी, बट स्टॉक लेवल्स पे बहुत ही ज्यादा गिरावट हो रही थी, पोर्टफोलियो रोज नेगेटिव हो रही थी। बट आज आप देखो ब्रॉडर बेस कहीं ना कहीं खरीदारी आती हुई देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम, कल से स्टार्ट हुई थी ये कहीं ना कहीं। आज अगर आप देखें तो 1370 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड हुए हैं एंड उसके सामने 512 शेयर्स आज भी नेगेटिव ट्रेड, नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए दिखे। आज के सेशन में देखने वाली बात ये कि जो तेजी वाले शेयर थे वो 11-12% तक ऊपर जाते हुए दिखे। वहीं लोअर लेवल्स पे देखें तो एक पिरामल एंटरप्राइजेस को हटा दें, बाकी सब देखिए 5-7% ही गिरकर बंद होते हुए दिखे। आज के लीडर थे आईटी स्टॉक की तरफ से, जो कि काफी टाइम से मैं आप सभी के साथ रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि भाई बाय करो। और मैंने आपको जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए कल रात में ही वीडियो बना के कह दिया था, आज के सेशन में फोकस करना है आईटी स्टॉक्स पे, एचडीएफसी बैंक पे, आईसीआईसीआई बैंक पे। और देखिए आज वही चार स्टॉक आपको लीड लेते हुए दिखे हैं। तो ये जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो ये गाइस आज बात करने वाला हूं गेल स्टॉक के बारे में। और एक चीज, कल के सेशन में मैंने रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन हिंडाल्को में पॉजिटिव, मदरसन सुमी में नेगेटिव बोला और अपोजिट ही होता हुआ देखा। हालांकि हिंडाल्को खुला अच्छा, बट उसके बाद करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ। चलिए गाइस बात करते हैं गेल स्टॉक के बारे में, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में आज के सेशन में बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। रीजन क्या है गिरने का वो शायद आप सभी को पता होगा, इसके रिजल्ट्स जो आए वो नेगेटिव आए हैं। रिजल्ट्स तो रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लेना यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। स्टॉक की तरफ जाने से पहले मैं सोच रहा हूं सबसे पहले स्टॉक के रिजल्ट्स ही देख लें कि स्टॉक के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, जो इतनी ज्यादा बड़ी करेक्शन आ गई है स्टॉक में। लगभग 5.5% स्टॉक करेक्ट होकर बंद हुआ है आज के सेशन में। सबसे पहले कंपनी ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कराया। अगर इसके मैं प्रॉफिट की तरफ जाऊं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने 27 बिलियन रुपीज का पोस्ट कराया 32.9 बिलियन रुपीज के मुकाबले। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत दे है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ये, यानी कि आप देख सकते 2700 करोड़ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाया, 2700 करोड़ का प्रॉफिट आया है 3290 करोड़ के मुकाबले। तो ये काफी बड़ी गिरावट देखिए, जिसके चलते आपने स्टॉक पे रिएक्शन भी देखा। रेवेन्यू की बात करें तो 27,000 का रेवेन्यू आता हुआ दिखाया 25,750 के रेवेन्यू के मुकाबले, तो रेवेन्यू में तो बढ़त है। मार्जिन भी अच्छे आए, 13.77% पे मार्जिन आए 12.82% के मुकाबले, तो सब कुछ अच्छा है। बट प्रॉफिट में बहुत बुरी पिटाई देखने को मिली है, बहुत बुरी तो नहीं कह सकते बट हाँ बुरी है, उसके चलते स्टॉक करेक्ट हुआ है। स्टॉक में अब चार्ट्स पे आ जाता हूं, बात कर लेते हैं। तो स्टॉक कहीं ना कहीं रेंज प्ले कर रहा था, नीचे में जो रेंज है स्टॉक की 140, 138, 134 की, और ऊपर में जो रेंज है 156, 160 रुपीज की। अभी नीचे वाली रेंज की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट टारगेट मुझे 138-136 रुपीज तक डायरेक्ट जाता हुआ दिख रहा है। वहां कहीं स्टॉक आता है तो आपको एक रिस्क लेकर बाय करना चाहिए, या फिर जिसके पास है उसे अगर अभी तक नहीं बेचा तो शायद 136 पे अगर कल आपको इन्हीं लेवल्स पे मिल जाए ₹1 पॉजिटिव तो आप निकल सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक आपको 136-134 के अराउंड कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, जो स्टॉक का हायर एंड लोअर एंड का रेंज है। स्टॉक में बड़ी गिरावट तब आएगी जब स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 130 रुपीज के लेवल से अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि स्टॉक में कहीं ना कहीं 120-118 और उसके बाद तो स्टॉक में 2020 के कोविड लोज लग जाएंगे जो 84 रुपीज के अराउंड के। तो इतनी बड़ी बात नहीं करनी है चार्ट पे, अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया 134 तक स्टॉक नीचे में जाता हुआ देख सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है उसे मुझे लगता है या तो 1-2 रुपए की रैली मिल जाए तो एग्जिट के मौके ढूंढे, इन्हीं लेवल्स मिल जाए तो भी एग्जिट कर सकते हैं वो स्टॉक से, क्योंकि रिजल्ट खराब है, चार्ट पे ब्रेकडाउन है, मुझे लगता है आपको निकलना ही चाहिए। एंड फ्रेश एंट्री की बात करें तो अराउंड 134 के पास आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, आपका एक ऐसा होगा 130 का और आपका टारगेट होगा 142, 144 और 150 का। ये पूरा मेरा हिसाब से मेरा व्यू बनता है गेल के स्टॉक पे। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।